नमस्कार। आज हम एक फिर से करंट अफेयर की सीरीज में 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में जितने भी करंट्स में घटनाएं हुई है और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमने ये 5 से 9 अक्टूबर के बीच में करंट अफेयर की सीरीज में ऐड किया है। और इस सीरीज को हमने MCQ फॉर्म में ही रखा है ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये करंट अफेयर का सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवीन कार्यकारी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? इसमें से आप नाम देखिए, एक नाम है तामन सिंह सोनवानी जी, अभी कुछ टाइम पहले रिटायर्ड हुए हैं, और अभी जो नए कार्यकारी अध्यक्षता जिसको सौंपा गया है वो है प्रवीण वर्मा जी। प्रशिक्षण विमान, इससे वायुसेना को पहले 2 सीट वाला स्वदेशी हल्का लड़ाकू तेजस प्रशिक्षण विमान दिया गया। इसमें जो भी ट्रेनिंग देंगे जो पायलट होंगे, जो हमारे एयरफोर्स के जो पायलट होंगे, उनको इस लड़ाकू विमान के माध्यम से तेजस चलाने का मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया और ये चीफ ऑफ एयरफोर्स PR राव जी। छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? स्थान मतलब यदि कोई नया सेंटर बनाया जा रहा है तो उसका स्थान जरूर पूछेगा, तो वो खोला गया है रायपुर के धनेली में। ध्यान रखिए रायपुर का ये जो और भी प्लेसेस का नाम है, जोरा, लबांडी, टाटीबंध, ये सब जगह पे कुछ ना कुछ घटना या कुछ ना कुछ नए चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें से रायपुर धनेली में अभी छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर खोला गया। क्या होता है स्क्रैपिंग सेंटर, आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर जिला रायपुर ग्राम धनेली, है ना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन जब पूछेगा तो ग्राम का भी नाम दिया रहे, जिला रायपुर ग्राम धनेली। इसमें क्या होता है, जो कार 15 साल से ऊपर चल चुका है और अभी उसका मेंटेनेंस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी जो नया नया सिस्टम आ गया है जैसे BS4 हो गया, BS6 हो गया, ये सब वर्तमान समय के जो कार्स हैं, जो बाइक्स हैं, उसमें पॉल्यूशन काफ़ी कम, मतलब पॉल्यूशन जो प्रोड्यूस होता है उसको कम करने की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन 15 साल पहले जो कार बाइक्स बनाया गया है उसमें ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, तो अब उसको स्क्रैपिंग किया जाएगा। वो किया जाएगा स्क्रैपिंग सेंटर में, हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ है तो रायपुर धनेली में। तो उसे देखिए, जब कोई वाहन पहुंच जाते हैं स्क्रैपिंग सेंटर में तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाता है, तो देख रहे हैं ना, स्क्रैपिंग सेंटर में कुछ इसी तरह से स्क्रैप किया जाता है। 15 वर्ष से पुरानी सभी शासकीय वाहनों को अनिवार्यतः स्क्रैप किया जाएगा। अब जितने भी सरकारी सेक्टर में जितने भी गाड़ी हैं जो तो 15 साल से ज़्यादा हो चुका है जिनको, उन सारे गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर से स्क्रैपिंग कराने पर, नए गाड़ी खरीदने पर लगभग 25% जो टैक्स लगता है, ये 25% पर जो टैक्स लगेगा उसमें 25% का आपको छूट मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ है, तो आपका रायपुर धनेली में। 9T20 समिट किस देश में संपन्न हुआ? देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, T20 और अभी कुछ टाइम पहले हुआ G20, दोनों में अंतर है। G20 का मतलब ग्लोब समिट, T20 का मतलब पार्लियामेंट समिट। ये 9th पार्लियामेंट समिट किस देश में हुआ, तो वो हुआ है भारत में। कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, जानते हैं आगे। P20 समिट के बारे में देखते हैं, G20 के बाद अब भारत में P20 समिट होने जा रहा है। कब हुआ है ये, ये जो डेट है 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पे हुआ, तो भारत के यशो भूमि सेंटर, नई दिल्ली में है यशो भूमि सेंटर। यशो भूमि सेंटर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जैसे कि G20 हुआ भारत मंडपम में, वो भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वैसे ही यशो भूमि जो सेंटर है वो भारत मंडपम से भी बड़ा है, वहाँ पे P20 समिट कंप्लीट हुआ। और पिछला मतलब एट एट था जो P20 समिट था वो हुआ इंडोनेशिया में। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट को लेकर के, आपको ये ध्यान में रखना। G20, P20, B20 इन सारे से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, G20 से तो बनेगा ही, हो सकता है P20 भी से भी पूछ दे, इतना ध्यान में रखना है। व्हाट इज अ P20? G20 में जितने भी सदस्य देश हैं
अभी एक नया सदस्य देश जुड़ चुका है, अफ्रीकन यूनियन। उसके साथ पहले से भी जितने सदस्य देश थे, सारे सदस्य देशों के पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष जो होते हैं, उनके बीच में ये G20 समिट होता है, उनके बीच में एक बैठक होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है ना। G20 सदस्य देशों व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों के बीच बैठक होता है। G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और साथ साथ अभी अफ्रीकन यूनियन को अभी G20 में एक स्थायी सदस्य देश के रूप में नामित किया गया। तो अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार इस समिट में शामिल हो रहे। हो सकता है पूछ दे कि P20 समिट में किस देश के सांसद फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए हैं, तो अफ्रीकी ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और, हमारे अभी जो सांसद जी अध्यक्ष हैं, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष है, उसका नाम जान लीजिए, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। का थीम क्या है? थीम वही है जो G20 का था, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। यही सेम चीज आपको G20 में भी देखने को मिलेगा, सेम थीम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य कितने रुपए वृद्धि की गई, मतलब कोदो कुटकी का जो MSP जो तय किया गया था, में कितने रुपए का वृद्धि किया गया। देखो, एक तो पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो मोटे अनाज को MSP पे खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं मोटे अनाज का जो MSP है वहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि धान के MSP भी एक बार पूछ चुका है, इसका भी MSP पूछ दें। तो कोदो और कुटकी के लिए समर्थन मूल्य में 200 और 250 रुपये का वृद्धि किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। आगे जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी का समर्थन, कोदो का देखिए 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी का 350 या 3,350 रुपये प्रति क्विंटल, तो कितने का इंक्रीस हुआ, 200 रुपये का, और कुटकी में 250 रुपये का। अलग अलग भी पूछ सकता है, कोदो में कितना किया है, हो सकता है कुटकी ना पूछे, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। कोदो में 200, कुटकी में 250। कोदो का MSP है अभी 2023-24 के अकॉर्डिंग है ना, 2023 और 24 में कोदो का है 3,200 रुपये प्रति क्विंटल पे है ये, ठीक, और कुटकी का 3,350 रुपये। मोटे अनाज उत्पादक किसानों में के हित में कोदो व कुटकी के समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वृद्धि किया गया, ठीक। और कुछ जरूरी बातें जो हमारे लिए जानना चाहिए, 1 नवंबर 2023 से धान खरीद प्रारंभ हुआ, अभी 2023 में धान खरीदी कब से प्रारंभ हुआ, तो 1 नवंबर, एक राज्य गठन दिवस 2023-24 आगामी खरीफ विपणन वर्ष के लिए विभिन्न जिलों में लगभग 25 नवीन धान उपार्जन केंद्र खोला गया है। ये चीज आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने 2023-24 के खरीफ विपणन वर्ष के लिए कितने नवीन धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया गया, खोला गया, तो टोटल 25 है ये, ठीक। नगरीय निकाय एवं पंचायती राज सम्मेलन कब किया गया, 6 अक्टूबर 2023 को नगरीय निकाय एवं पंचायती राज सम्मेलन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि थी प्रियंका गांधी जी। कहाँ पे हुआ था, बस्तर के संभाग के कांकेर जिला। ये सम्मेलन से क्वेश्चन बनता है कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये ध्यान में रखना। हाल ही में कांकेर मेडिकल कॉलेज व कृषि कॉलेज पखांजूर का नाम बदला गया और उसका नवीन नाम क्या रखा गया, नवीन नाम रखा गया है इंदिरा गांधी, ठीक। कांकेर मेडिकल कॉलेज व कृषि कॉलेज पखांजूर का नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ये अभी जो नगरीय निकाय सम्मेलन जो हुआ 6 अक्टूबर को, उसी दिन को इनका नाम को बदलने का घोषणा किया गया। तिस्ता नदी की कुल लंबाई कितनी है, तिस्ता नदी की कुल लंबाई है 315 किलोमीटर। क्यों पढ़ रहे हैं तिस्ता नदी, आगे आगे जानेंगे इसके बाद। तिस्ता नदी देखिए, ये भारत से आ रही है गंगा नदी है ना, ये आ रहा है हमारा ब्रह्मपुत्र, ठीक। और ये यहाँ जो जगह है, ये हमारा बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का। ये चिकन ने आगे चले गए तो ये यहाँ पे है सिक्किम,
सिक्किम से एक नदी आ रही है, तीस्तरिया जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अभी क्या हुआ है कि सिक्किम में लोहनाक झील पर बादल फटने के बाद तिस्ता नदी का वाटर लेवल बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ा तो बाढ़ आया। बाढ़ आया तो जो मेन जिससे हम सिक्किम से जो है कनेक्ट होते हैं बाई रोड NH10 का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया बाढ़ आने से। तो लिंक तो टूट गया, तो वहाँ पे फूड और हेल्प काफ़ी सारी सप्लाई चेन ब्रेक हो गया था, है ना। तो उससे अभी काफ़ी न्यूज़ में आपने पढ़ा भी होगा कि काफ़ी सारे लोग इस बाढ़ में एक्सपायर भी हो चुके थे, मर भी गए। तो इसका जो कारण था, बेसिक कारण था, वो तीस्ता नदी पे अचानक आए बाढ़ के कारण वहाँ पे ऐसा त्रास दिया है। तो तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तागसे ग्लेशियर के पास तारामू झील, ठीक, ये तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। बहाव किन किन देशों में है, तो भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखो ये बताया ना, ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रहा है आपका तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जाके मिल रहा है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, कुल लंबाई लगभग 315 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र का चौथा सबसे बड़ा लंबा नदी है, मतलब ब्रह्मपुत्र का चौथा सबसे बड़ा सहायक नदी है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कब किया गया, इसका शुभारंभ किया गया था 27 सितंबर 2023 को। युवा मितान परिवहन का शुभारंभ 27 सितंबर 2023, सॉरी 7 सितंबर 2023। क्या है ये युवा मितान, इसको देखो एक बार। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी, इसके लिए युवा मितान परिवहन योजना लाया गया था। फोर्थ स्टेट वुमेन फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का टाइमिंग ध्यान में रखिए, 8 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच हो रहा है अभी, मतलब ये कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है ये। भिलाई, दल्ली राजरा और रायपुर के जो वुमेन टीम है वो टीम इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो भी टीम जीतेगा, क्वालिफाई करने वाली टीम भारतीय महिला लीग चैंपियनशिप में भाग लेगी, है ना। बिहान के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की 2023 में, तो 27% की वृद्धि की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक। बिहान बिहान पहले जान लो क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं बिहान। इसके मानदेय में वृद्धि किया गया है 27%। बिहान के अंतर्गत कार्यरत काफी सारे महिलाएं हैं, ये आपका बैंक सखी, मित्र, कृषि सखी, पशु सखी, तो इन महिलाओं के जो मानदेय है उनमें 27% का वृद्धि किया गया है। इजराइल में फंसे भारतीयों के देश वापसी हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं हर एक कंट्री में स्ट्रेस, बॉर्डर स्ट्रेस काफ़ी चल रहा है, हमारा भी रहता है चाइना और पाकिस्तान के साथ, वैसे ही अभी रशिया और यूक्रेन के साथ हो रहा है। इसराइल और हमास, वहाँ का जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उनके बीच में अभी वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे जो भारतीय जो नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, यूक्रेन में भी जो फंसे थे बच्चे उनको भी बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन चलाया, इसराइल में जो फंसे हैं उनके लिए भी एक ऑपरेशन चला रहे हैं, उनका नाम है अजय, ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है, ठीक। ऑपरेशन अजय क्या, देखिए आतंकवादी समूह हमास और इसराइल के बीच में अभी वार चल रहा है, ठीक। वार के बीच में जो फंसे हुए भारतीयों को वापसी हेतु, देश वापसी हेतु चलाया गया एक ऑपरेशन, उसका नाम है, ठीक। इतना चीज आपको ध्यान में। तो आज के 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जो भी करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, वो सारी चीज़ हमने इसमें ऐड किए हैं, और आज का जो करंट अफेयर में जो भी जितने भी फैक्ट्स हमने डाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसराइल वाला भी और हो सके तो P20 समिट वाला भी, है ना। तो आपके और भी हम करंट अफेयर की सीरीज लाएंगे, तब तक से।